दोस्तों, आज मैं बताऊंगी कि घर में प्याज कैसे उगा सकते हैं गमले में। ये जो आप देख रहे हैं, इसमें ये मैंने प्याज की भाजी मार्केट से खरीदी है और उसको मैंने एक ये इसमें पॉट में डाला है। ऊपर से कट करके हटा दिया और नीचे का जो छोटा रहता है प्याज का गांठ, उसको मैंने बो दिया। आप देख रहे हैं इसमें पत्ते निकलने लगे हैं और कुछ दिनों में इसकी भाजी तैयार हो जाएगी। आप घर में इसको बना सकते हैं। साथ ही घर के अंदर जो हमारे प्याज जो उग जाता है, कई बार इस समय सीज़न है जिसमें प्याज उग जाता है, घर में जो रखा रहता है उसी प्याज को देखिए मैंने इसमें बोया है अपने ट्रे में। आप देख रहे हैं कितने अच्छे पौधे हैं, ये कितने हेल्दी पौधे आए हैं और इनको हम बीच बीच में उगते रहते हैं और मैं आके इसमें बोती रहती हूँ। इसके साथ ही देखिए जो प्याज और भी उग जाता है वो मैंने इसमें लगाया हुआ है। बीच बीच में देख रहे हैं ये मेरे रोपा भाजी है, इसके बीच बीच में भी मैंने प्याज के पौधे लगाए हुए हैं। आप देख रहे होंगे इसमें जो प्याज उगता रहता है, मैं इसमें लाला के इसमें सब्जी वाली डलिया में से इसमें बोती रहती हूँ और ये बढ़ते रहते हैं। अभी रिसेंटली देखिए मैंने ये लगाया है, छोटा सा पौधा दिख रहा है, एक एक लगाया और एक ये लगाया है। अभी मैं कुछ भी फेंकती नहीं हूँ और मैं कोशिश करती हूँ सबको उगाने की कोशिश करती हूँ। देखिए आप, ये रोपा भाजी है मेरे टब में, मैंने इसको उगाया हुआ है और इसी के बीच बीच में मैं जहाँ जगह है उसमें मैंने प्याज लगा के रखा है। देख रहे हो रोपा भाजी कितनी अच्छी चल रही है मेरी। ये सब्जियों का सीज़न है और मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ अपने घर में उगा लूँ। आप लोग भी अपने घर में कर सकते हैं। जो प्याज वगैरह आपको लगता है जिसको फेंक देना है, हमको ख़राब हो गया है या थोड़ा बहुत हो गया है, नीचे से ख़राब हो रहा है, सड़ रहा है, आप उस प्याज को ला के गमले में गाड़ दीजिए। देखिए कितनी अच्छी भाजी तैयार हो गई है मेरे पास, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसको देख के। देखिए कितना अच्छा है, पास से दिखा रही हूँ मैं, बहुत अच्छा लग रहा है ये। देखिए और अच्छा दिखेगा आपको, कितने हेल्दी पौधे हैं ये। कुछ नहीं डाला मैंने इसमें, गोबर और गार्डन सॉइल बराबर बराबर मिला के मैंने डाल दिया इसमें ट्रे के अंदर और देखिए कितने अच्छे हो गए पौधे। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।